पंजाब में अवैध रेत खनन पर ईडी की छापेमारी, 10 ठिकानों पर रेड। अवैध रेत खनन पर मोहाली के सीएम चन्नी के करीबी के घर की तलाशी। थोड़ी देर में यूपी के चुनावी युद्ध में पीएम मोदी की वर्चुअल मोर्चाबंदी, काशी के कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे पीएम, देंगे जीत का मंत्र। यूपी में बीजेपी की अगली लिस्ट पर फाइनल मंथन, कोर ग्रुप की बैठक से पहले सहयोगी दलों से बातचीत। धर्मेंद्र प्रधान के घर अपना दल निषाद पार्टी के साथ बातचीत। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में तीसरे चौथे दौर के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। पंजाब के लिए लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, बुधवार को होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। आम आदमी पार्टी आज पंजाब के सीएम के नाम करेगी ऐलान, 19 लाख लोगों ने दी है राय। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर बताएंगे अपनी रणनीति, समाजवादी पार्टी से नहीं हो पाया था गठबंधन। देश में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,38,018 मामले। दिल्ली में थोड़ी थमी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 12,527 नए मामले, 24 की गई जान। मुंबई में कोरोना के मामलों में अंकुश, 24 घंटे में 5,956 मामले। आईआईटी कानपुर का दावा, भारत में कोविड फरवरी के अंत तक होगा खत्म। बच्चों को मिलेगा कोरोना का सुरक्षा कवच, माह से शुरू होगा 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, छाया घना कोहरा। यूपी में कड़ाके की ठंड, जेवर इलाके में घने कोहरे से लोगों को परेशानी। प्रयागराज में सर्दी का सितम जारी, लोगों की बढ़ी मुसीबत। भोपाल में कड़ाके की सर्दी, सीएम शिवराज ने रैन बसेरों में लोगों का जाना हाल। जम्मू में कड़ाके की सर्दी, जन सामान्य की दिनचर्या पर पड़ा असर। शिमला में कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फबारी से गिरा तापमान। हिमाचल के बिलासपुर, सुंदरनगर और कांगड़ा जिले के कई हिस्सों में 24 घंटे हुई बारिश, बढ़ी सर्दी। धर्मशाला में ठंड के साथ कोहरा बना मुसीबत, आवाजाही हुई दुश्वार। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से लुढ़का पारा, बढ़ी कड़ाके की सर्दी, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ा असर। बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के औली में उमड़ रही है सैलानियों की भीड़, लेकिन रोपवे बंद होने से है नाराजगी। हिमाचल की डलहौजी में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, प्रसिद्ध पोलानी माता मंदिर बर्फ से ढका। चंबा के गांव में 3 ग्लेशियर्स को पार कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंची टीम, भारी बर्फ के बीच 40 किलोमीटर पैदल किया सफर। वडोदरा में पतंग के धागों की चपेट में आकर 800 चिड़िया घायल, वन महकमे ने बचाई जान। बाराबंकी में अखिलेश को सीएम बनाने के लिए पूजा अर्चना, सीएम बनने तक जारी रहेगा आयोजन। पंजाब कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, प्रमोशनल वीडियो में सीएम चेहरे के लिए चन्नी की हिमायत। सोनू सूद के बयान को भी वीडियो में किया गया शामिल, सूद ने कहा था बैक वेंचर ही कर सकता है कमाल। राजा वो चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेकर आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वीडियो को पंजाब कांग्रेस ने रीट्वीट किया, सिद्धू खेमे में बेचैनी। सूत्रों के हवाले से खबर, सिद्धू खेमे ने कहा वीडियो को आधिकारिक नहीं माना जाए। पेंच टाइगर रिजर्व में 29 बच्चों को जन्म देने वाली कॉलर वाली बाघिन की मौत, वन कर्मियों ने नम आंखों से दी विदाई। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवनदान। राजकोट में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, जालसाजी के आरोपी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बुमराह का बयान, कहा अगर मिली कप्तानी तो मेरे लिए सम्मान की बात। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम के साथ होंगे रोहित शर्मा, चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से हुए थे बाहर। न्यूजीलैंड के नजदीक टोंगा के पास समुद्र में फटे ज्वालामुखी से पेरू में सुनामी, ऊंची लहरों और बाढ़ की वजह से तटीय इलाकों में भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया ने टोंगा में ज्वालामुखी से हुए नुकसान के आकलन के लिए भेजा विमान, टोंगा के आसमान में छाया अंधेरा, इंटरनेट और फोन सेवा ठप। स्पेन के लुमानारिया में उत्सव की धूम, अलाव जलाकर नाश्ते गाते नजर आए लोग, भारत में मनाए जाने वाले लोहड़ी की तरह दिखा नजारा। भारतीय ड्रेस का इटली में जलवा, मिलान में डिजाइनर ध्रुव कपूर ने पेश किए एक से बढ़कर एक कलेक्शन। विवादों में फंसा टर्की में ऊंटों की भिड़त वाला फेस्टिवल, जंतुओं के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठनों ने किए विरोध।